कि पाँव को खोल कि जमान आवाम देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है तुझे अगर न्यू टैलेंट स्कूल तो संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। पब्लिक स्कूल राजगढ़ शहर में 21 वर्ष पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताश्री श्री ईश्वर सिंहजी तोमर मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया गया था। इस स्कूल की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास इस छोटे से राजगढ़ शहर में हम कर पाए। हमने हमेशा से ये कोशिश की है कि बच्चे जो है वो एक नन्हे पौधे के रूप में होते हैं, उनको पालक टीचर्स इस तरह से पौधे को जैसे हम पेड़ की शक्ल प्रदान करते हैं, वैसे ही धीरे धीरे उनके संस्कार, उनके अनुशासन, उनकी पढ़ाई और उनकी दैनिक दिनचर्या में अनुशासन लाकर उनको एक आने वाले जीवन में एक ऐसे वट वृक्ष की तरह खड़ा कर दे कि जीवन में आने वाली कोई भी मुसीबतों से वो डटकर मुकाबला कर पाए। शुरुआत जो रही 2002 में वो निरंतर और अथक प्रयास से धीरे धीरे सभी क्लासेस वर्षानुसार एक के बाद एक बढ़ती गई। न्यू टैलेंट स्कूल ने हमेशा बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ही जोर दिया, संस्कारों पे जोर दिया, उनके अनुशासन पे जोर दिया। उसी का परिणाम रहा कि 2009 से लेकर अभी तक 2023 तक कुल एमपी मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें 6 बच्चे जो है एमपी मेरिट टॉप 10 में आए हैं। उसी के साथ 12th क्लास में 2 बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे। साथ ही हमारा ये भी कि बच्चा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा नागरिक जरूर बने। पढ़ाई भी उतनी जरूरी है, उतना ही उसमें मान सम्मान संस्कार भी जरूरी है। जब संस्था प्रारंभ की तो तोमर सर और मेरे मन में इस संस्था को बहुत ऊपर ले जाने का की इच्छा थी, लेकिन संसाधनों का अभाव था। हम दोनों सुबह से लगाकर शाम तक लगे रहे और जो सपने हम लोगों ने बुने थे उन सपनों को कितनी जल्दी और कैसे साकार किया जा सके इसके लिए हम निरंतर चिंतनशील रहते थे। और आखिरी में हमने पाया कि जितना अच्छा रिजल्ट, जितना अच्छा आउटपुट हम बच्चों में देंगे उतनी ही उन्नति हमारी जल्दी होगी, उतना ही जल्दी हमारा NTPS जो नाम हम लोगों ने रखा है यह लोग जानने लगेंगे और वह समय आएगा जब लोग हमारा नाम सुनकर हमारे स्कूल में प्रवेश करवाएंगे। NTPS केवल एक विद्यालय का नाम नहीं है, NTPS एक परिवार का नाम है और यह परिवार आपस में मिलकर काम करता है
और उसी का परिणाम हमें रिजल्ट के रूप में खेल प्रतियोगिता के माध्यम से मिलता रहता है। स्कूल जगह जगह सम्मानित होती रहती है और लोग उसे एक ब्रांड के रूप में देखते हैं। इन अवर स्कूल स्पेशल अटेंशन इज गिवन टू द क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डिसिप्लिन, गुड मैनर्स, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, मॉरल वैल्यूज, सो दैट देयर फ्यूचर कैन बी ब्राइट एंड दे कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इन फ्यूचर। मैथमेटिक्स, मैथ्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट एंड आई विल से मैथ्स इज द बॉस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मैथमेटिकल पोर्शन होता ही है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की यदि बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मैथमेटिकल पोर्शन रहता है। अभी रिसेंटली ये देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है मैथ्स से डरने लगे हैं, मतलब मैथ्स को एक फोबिया जैसा बना लिया है। बट मैथ्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। महान दार्शनिक गैलीलियो ने भी कहा है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान जी की भाषा को समझना है तो मैथ्स को पढ़ना चाहिए। और यूं देखा जाए तो जो हमारा जीवन है, जीवन भी एक गणित ही तो है, अतः इस जीवन रूपी गणित को समझने के लिए गणित विषय बहुत जरूरी है। वेलकम टू द केमिस्ट्री लेबोरेटरी ऑफ NTPHS राजगांव। What is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of elements, compounds, ions, their structures, functions and reactions. And what is the importance of chemistry? क्यों जरूरी है हमें chemistry को पढ़ना? क्यों पढ़ना चाहिए हमें chemistry subjects को? So chemistry is important because everything you do is chemistry. When your body is made up of chemicals, chemical reactions occur even you breathe. Or just see their reading. So that's why chemistry is important. Good morning, everyone. Welcome to NTPS Physics Lab. Physics is the study of laws and principle of nature. In simple words, we can say that physics is the study of physical world. और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, ये दिन और रात का होना, सर्दी गर्मी और बरसात का होना, वो इंद्रधनुष का बनना, समुद्र में लहरों का उठना, गर्म हवा का ऊपर जाना और पेड़ से सेब का नीचे आना, यही सब तो है फिजिक्स। वेलकम टू अवर न्यू टैलेंट बायोलॉजी लैब। And logy means study. Study of life, a living organism, is called biology. Biology term, सबसे पहले लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। लेमार्क ने कंप्लीट बायोलॉजी टर्म दी गई और उसके अंदर भी जीव विज्ञान की स्टडी है। फिर उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी आए एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इन्हें हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इस साइंटिस्ट को फादर ऑफ बायोलॉजी का खिताब दिया गया है। वेलकम टू अवर एडिटेड कॉमर्स क्लास। कॉमर्स इज एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। तो आप सुबह उठते हैं, अपने घर से निकल जाए, सब्जी खरीदने जाते हैं, फल फ्रूट खरीदने जाते हैं या कुछ किराना सामग्री खरीदने जाते हैं। आप जो
फ्रूट्स खरीद रहे हैं मार्केट से, जो भी फल फ्रूट सब्जी खरीद के ला रहे हैं, उसमें भी कॉमर्स इन्वॉल्व होता है। वो दुकानदार जो आपको सामान बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, वो भी कॉमर्स की ही एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। देयर इज नो कॉमर्स विदाउट कम्युनिटी एंड देयर इज नो कम्युनिटी विदाउट कॉमर्स। बहुत जरूरी होती है शिक्षा, सारे अवगुण धोती है शिक्षा, अंधेरे का चिराग है शिक्षा, भारत का इतिहास है शिक्षा, गहरे सागर की प्यास है शिक्षा, मनुष्य की अभिलाषा है शिक्षा, जीवन की परिभाषा है शिक्षा, अज्ञानी को देती ज्ञान है शिक्षा, साधारण से बनाती महान है शिक्षा। इसी ओर अग्रसर है NTPS। We are NTPS.